दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लोमोरिया और हमारा चैनल है पारस होम्योपैथी, जिसपे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। दोस्तों आज के समय की बहुत ही कॉमन समस्या है गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्राइटिस किसको बोलते हैं, ये अपन मैं समझाने जा रहा हूँ उसको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज के अंदर। वो है आपकी आमाशय की झिल्ली की अंदर की जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, उसके अंदर अगर किसी भी वजह से सूजन आना स्टार्ट हो जाती है और उसके जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसको ही गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। दोस्तों ये इसको तीन तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आती है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, दूसरी है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस और थर्ड नंबर की है एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो है ज़्यादा और यूज ऑफ एल्कोहल, ज़्यादा मात्रा के अंदर शराब जो पीते हैं उनके अंदर, या फिर कुछ जो दवाइयाँ हैं सरदर्द के लिए या पेन किलर के रूप में या बुखार के लिए जो दवाइयाँ यूज करते हैं उनके ज़्यादा मात्रा में अगर यूज करने से भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार रहता है वो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये उसके अंदर की मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करके ये उसके अंदर सूजन पैदा करता है, जिससे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के चांसेस बढ़ते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर की आती है कुछ जो डिजीज होती हैं अपनी बॉडी का डिफेंस सिस्टम की वजह से, वो अंदर की जो आमाशय की झिल्ली है उसके अंदर सूजन पैदा करते हैं, तो उसको एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। अब इसके आप कैसे पहचानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस है कि नहीं है, तो सबसे जो खास सिम्टम है आप मालूम कर सकते हैं आपके नाभि के ऊपरी हिस्से के अंदर अगर दबाने से आपको दर्द, या ऐसे भी अगर दर्द होता हो वो दर्द की वजह से आपको उल्टी जैसा लगता है या फिर वोमिट भी हो सकती है, साथ साथ में आपको भूख लगना बंद हो जाती है, पेट में गैस और भारीपन देखने को मिलता है। ऐसे अगर सिम्टम लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो आप गैस्ट्राइटिस से पीड़ित हैं। दोस्तों आपने ये देखा कि इसके ये लक्षण हैं, लेकिन ये दिक्कत उसके और क्या रीज़न रहते हैं या किस वजह से ये दिक्कत बढ़ती है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दोस्तों आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, बहुत देर रात्रि से सोना, लेट सुबह तक उठना, या खान पान के अंदर बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, या गर्म ऐसा बहुत ज़्यादा हॉट गर्म जिसको बोल सकते हैं खाना खाना, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी आप इस्तेमाल करते हैं, या लंबे समय तक अगर खाना नहीं खाते हैं, खाली पेट रहते हैं, या आप कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर अगर स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो भी इसके जो लक्षण गैस्ट्राइटिस के वो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों कुछ जो इन्फेक्शन है मैंने फूड पॉइजनिंग के अंदर भी बताया था, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार रहते हैं गैस्ट्राइटिस को डेवलप करने के लिए। और इसके साथ में कुछ डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज हैं, HIV है, सार्कोइडोसिस है, एक क्रोन्स डिजीज है, ये भी डिजीज इसको पैदा करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार रहती हैं। दोस्तों अब इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, या इसको आसानी से जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं इनको बहुत सुंदर तरीके से इसको ठीक कर सकती हैं, उसमें आज जो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ वो कितनी भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो या एक्यूट हो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट, या एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस हो सब में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे जो टॉप लीडिंग मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर आती है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के मरीज के अंदर बर्निंग यानी बहुत ही जलन वाला दर्द, मैंने बताया आपको नाभि के ऊपर अगर महसूस होता हो, साथ में बेचैनी जैसी महसूस करता हो मरीज, और कुछ भी खाता हो उसको वोमिट जैसा लगता हो या वोमिट कई बार होती हो, उसके लिए आर्सेनिक एल्बम का जो है मेडिसिन है बहुत अच्छा रोल करती है। साथ साथ के अंदर आपको अगर उस बर्निंग पेन के अंदर कुछ पीने से, गर्म पीने से अगर रिलीफ मिलता हो और ठंडा या एसिडिक कोई चीज़ लेने से बढ़ता हो, तो आर्सेनिक एल्बम की जो मेडिसिन है उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। सेकेंड जो लीडिंग मेडिसिन में आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है उसके अंदर आपकी उस हिस्से के अंदर एक खिंचाव वाला सा दर्द अगर महसूस होता है, वो दर्द धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल रहा हो, साथ में आपको गैस बन रही हो, पेट फूला फूला अगर नजर आता हो, या साथ साथ के अंदर एक एंग्जाइटी बनी रहती है, एक डर सा बना रहता है, तो उसके, या फिर एल्कोहल जो ज़्यादा लोग यूज करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम मानी जाती है। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन आती है फॉस्फोरस।
होश फुरुष के मरीज के अंदर कुछ भी खाते ही वो वापस आने के लिए कोशिश करता है खाना या पीना उसके लिए, और साथ साथ के अंदर आपके मुंह का टेस्ट बहुत कड़वा या मुंह के अंदर पानी आना या मुंह के जो आपके छाती के अंदर जलन महसूस होना उसके लिए फॉस्फोरस। साथ साथ में अगर आपको ठंडा पीने की इच्छा करती हो और ठंडा पीने से अगर आराम मिल रहा हो उसके लिए फॉस्फोरस बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। फोर्थ नंबर की जो मेडिसिन आती है बिस्मथम। बिस्मथम एक ऐसी दवा जहाँ पे आपको पेट पे एक बहुत ही पत्थर जैसा भारीपन या एक दर्द जैसा महसूस होता हो, कुछ भी जाते ही उसको अंदर जो है अपना आमाशय रख नहीं पाता है, तुरंत उसके वोमिट कर देता है, या फिर आपको पीछे की तरफ मुड़ने पर दर्द के अंदर आपके पेट में आराम मिलता हो उसके लिए बिस्मथम दवा बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का मरीज सेडेंटरी हैबिट्स, बहुत ही ऐसो आराम के साथ रहने वाले मरीज जो ज़्यादा एल्कोहल चाय कॉफी का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर, और कुछ भी खाते ही कुछ देर बाद आधा घंटे बाद अगर वोमिट जैसी ऐसी कंडीशन बनती हो या फिर आपकी वोमिट नहीं हो पाती हो लेकिन बार बार वोमिट के लिए शंका बनी रहती है उसके लिए नक्स वोमिका का रोल बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों उसके बाद में दवा आती है पल्सेटिला। पल्सेटिला के मरीज के अंदर जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड यानी तला भुना खाना या बहुत फैटी फूड खाने के बाद अगर दिक्कत होती हो, मरीज को अगर प्यास नहीं लगती है, मुंह सूखा सूखा रहता है, उसकी जीभ पे एक वाइट कोटिंग आपको देखने को मिलती है, तो पल्सेटिला बहुत ही अच्छा रोल उसका एक्सीलेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद में नेट्रम फोस सिक्सक्स के अंदर जिसके अंदर बहुत ही मोटी कोटिंग अगर जीभ के ऊपर आई रहती है उसके लिए नेट्रम फोस सिक्सक्स बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। ये जो मैंने मेडिसिन बताई है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के अंदर सबसे जो खास पोटेंसी इसमें यूज करनी चाहिए वो है सिक्सक्स। सिक्सक्स के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इसके साथ में हमारी जो रिसर्च प्रोडक्ट है गेस्ट्रोसी के नाम से उसका इतना एक्सीलेंट रिजल्ट हमारे को देखने को मिलता है, कितनी भी पुरानी गैस्ट्राइटिस हो तुरंत उसके अंदर आराम देती है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी करें होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।